हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और आप लोगों को सभी को नमस्ते। अभी जैसे मैं बाहर से खेल कर आया हूँ, तो आज वो बोली कि जल्दी घर आ जाओ, तो मैं आ गया हूँ। मैंने पूछा किस लिए, तो बोल रही हैं कि आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो मैंने पूछा कि क्या स्पेशल बनने वाला है, तो फिर कह रही थी बस आ जाओ, तो फिर मैं आया हूँ घर अभी। और अभी देखो इनको, देखो क्या बना रही हैं, देखता हूँ, इनसे बात करता हूँ मैं। क्या कर रही हो? आलू के पकौड़े बना रही हूँ। आलू के पकौड़े बना रही हूँ? इसमें तो आलू कहीं नहीं दिख रहा। दीदी छील, देखो दीदी आलू छील रही हैं। और आलू छील के क्या क्या काटी है वैसे? प्याज है, धनिया है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर। तो इनको ग्राइंड करने जा रही हैं ना? फोन जरूर पास में रखती हूँ ना फोन जरूरी पास, रील्स देखना होता है ना, कितने क्या क्या कमेंट आए, क्या नहीं कमेंट आए। मम्मी के फोन का वेट कर रही हूँ। अच्छा, कौन सिखाया आपको बनाना? मेरी मम्मी। अच्छा, इतना तो बता दी ना। ये क्या डाली हो इसमें? प्याज। प्याज? और तेज बोलो पगली ऐसा लगता खाना नहीं मिलता देखो पागल मुझसे चला के अंदर गए अपने इधर से देखो देखो देख लो, कुछ नहीं हुआ है। जल्दी पीसो, जल्दी से बनाओ। तो जब तक ये सारी चीज़ें पीस रही हैं, तब तक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मेरे घर में दो दो नए फैमिली मेम्बर आए हैं। देखो ये है, कुछ बोल रहे हैं, बोलो। देखो ये बहुत डरता है, इसका नाम है चमकुल्ली, ये वाला जो पैरेट है। और इसका नाम है शेरू। ये चमकुल्ली अच्छा है थोड़ा, ये देखो। ए चमकुल्ली, ये वाला जो है शेरू, इसका नाम शेरू, पर ये डरता बहुत है। इसके देखो गर्दन में जो वो होता है ना, वो भी पड़ाया है, बट अभी ये थोड़ा छोटा है पर, और ये डरता नहीं है, पर देखो ये ज़्यादा प्यारा है ना। ये हाथ में भी आ जाता है, ऊपर अभी आ जाता है, पर अभी देखो डर रहा है थोड़ा। पर ये जब तब जानते कब बोलते हैं, ये बोलते जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ये देख लिए तो ये तुरंत मिट्ठू मिट्ठू पट्टू पट्टू बोलने लगता है। ये वाला बोला करता है, ये बहुत बोलता है। और देखो ये डर भी नहीं रहा, और इसको देखना कितना डरेगा। देखना हाथ ले जाऊँगा, देखना तुरंत डरेगा। ये देखो इधर ले जा रहा, उधर डर रहा है, इधर हाथ ले जा रहा, उधर डर रहा है, इधर हाथ ले जाऊंगा, ये देखो भागता ही रहेगा तो चलो चलते हैं, क्या कर चुके हैं देखते हैं। संध्या क्या कर रही हो, जल्दी बनाओ मशीन हूँ क्या अरे यार ये तो पूरी पता नहीं क्या जहर जैसे बना रही है, बिल्कुल इतनी खांसी आ रही है। चाव से खाओगे क्या? अब क्या कर रही हो? अंडे फोड़ रही हूँ अंडे नहीं तो पगली देखो कैसे आलू गरम है, लग तो नहीं रहा? लग रहा है। फिर भी फोड़ना तो पड़ेगा। दिखाओ हाथ, दिखाओ, लाल पड़ गए ना, देखो यार गाइस लाल पड़ गए हाथ के इतनी फिर है तो फोड़ दो ना। हम मैं क्यों फोड़ू, आप बनाओ खाना, मैं थोड़ी बनाऊंगा तो ऐसे ही है यार, यहाँ की जो हाउस वाइफ होती है ना ऐसे ही है, देखो काम करती रहती हैं और खुश रहती हैं देखो कैसे आंखें कर रही पागल अब क्या कर रही हूँ? बेसन घोल रही हूँ। बेसन घोल रही हूँ, ये क्या काला काला क्या है? धनिया है। धनिया पाउडर है, ये मिर्च पाउडर है, क्या क्या डाल रही बता दो। शायद ईटा का पाउडर है ईंटा का पाउडर नहीं पागल, ईंट है, ईंट नहीं दुनिया है, मिर्ची है, मिर्ची है ना। तैयार हो गया मसाला? कैसे का लग रहा है? अभी फिर से डाल दियो क्या इसमें? कम कड़ू था तो अभी बनाने जा रही हो? ये लो खाओ पागल, ऐसे थोड़ी ना खाऊंगा, बनाए मुझे भैंसा 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 पूरा खा दे। देखो भाई तेल चढ़ चुका है कढ़ाई पे और गरम, इतने तेल और बस इतने पकाए गए इतने सारे। अभी इसको पकाऊंगी आलू को। अच्छा आलू पकाऊंगी। वैसे हमारे घर में अभी तक ये नहीं बना, हमारे घर में कोई नहीं बनाता था, बट ये बना रही थी जब हम इनको इनके यहाँ गए थे ना शादी के बाद पहली बार, तो इन्होंने बना के खिलाया था, तब हम मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैं इनसे काफ़ी दिन से बोल रहा था कि बना दो, तो अभी ये बना रही है। देखो ये पड़ रहा है मिक्स्ड ओनियन,
आवाज आ रही थी। अच्छा ऐसे अगर जला दिया जैसे तुमको ऐसे उंगली डाल के तो पक जाएंगे ना उंगली भी फिंगर आलू फिंगर हो जाएगा फिर उंगली फिंगर। हाँ नहीं नहीं आलू फिंगर ही बोलेंगे ना। ना ना उंगली फिंगर तो एक ही चीज हो गई या तो आलू फिंगर नहीं क्या बोलते हैं इसको इसको फिंगर फिंगर बोलते हैं उसको भी फिंगर बोलते हैं तो फिंगर 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 पागल उसको आलू फिंगर बोलते हैं उसको भी तो मैं उंगली बोले उंगली पागल ना उसको फ्रेंच फ्राइज भी बोलते हैं और आलू फिंगर भी बोलते हैं जो भी जिसको बोलना बोलते हैं। बट तुम क्या बोलती है बताओ काफी बेहतर पता है वैसे समझ में आ रहा है देखो बनाओगी इसमें आलू मसाला पकाऊंगी इसमें और फिर इसको तलूंगी कब और जब हो जाएगा जब ये पक जाएगा तो तलूंगी। अच्छा मुझे क्या था फिर से करो पागल खाना बना रही हूँ कि मुंह दोनों वैसे आप तो अभी क्या कर रही हो? अब आलू का मसाला पका रही हूँ। अच्छा ये पूरे सिम डाल दी क्या बचा के पकड़ लो ना इधर से कपड़ा लगा के कपड़ा लगाने की जल जाओगी भी। ये तो पूरा ये पूरा मसाला ऐसे पकाया था ना ये अंदर का है ना हाँ, उसके अंदर का इसके इसके बाहर का बेसन जो है अभी ऐसा बेसन में रखा है ना नहीं वो नहीं लगा ना तो देखो यार वैसे महक तो आने लगी अच्छी अच्छी है ना तो काफ़ी इससे अच्छी महक आ रही है और स्वादिष्ट ऐसा लग रहा है कि हाँ स्वादिष्ट तो होगा काफ़ी बन चुके हैं देखो कितने गोल गोल लड्डू तैयार की है तेल में फ्राई है तेल है कि रिफाइंड है रिफाइंड है ना वैसे ख़राब करता ना रिफाइंड सेहत के लिए फिर भी मुझे इसका मतलब मुझे खिला रही मुझे मेरी सेहत ख़राब करना चाह रही ना नहीं मत खाइए आप अच्छा मैं खा लूंगी ना तो कितनी देर में बन जाएंगे इतने सारे गोली क्या बन रही है 10 मिनट दूर हो जल जाओ जल जाओगे बेटा खाना क्या तुमको भी नहीं, नहीं खाना मैं नहीं खाता अच्छा दूंगी भी नहीं और कह रहा चाहिए भी नहीं आपके हाथ से सब सब चिढ़ाते रहते हैं मटकी को है ही ऐसी दिखाओ मुँह दिखाओ देखो ऐसे मटकी चिढ़ाते हैं कि सब लोग चिढ़ाते हैं तुम भी चिढ़ाती हो ना थोड़ा 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 पूरा चिढ़ा लो और अब और ब्रेड पकौड़े कहाँ अभी ब्रेड लाए थे ना मैं ब्रेड पकौड़े भी बनाऊंगी उनको बनाओगी ना देखते यार अभी खा के बताएंगे कैसे बनाती कैसे नहीं दिखा यार काफ़ी देखने में तो यार काफ़ी अच्छे लगे थे जैसे जब वहाँ पर बनाई थी ना तो बहुत अच्छे थे अब देखते हैं यहाँ पे शायद शायद मुझे झूठ बोला हो वहाँ पे कि क्या कहते हैं किसी और ने बना दिया हो अब मुझसे बता दिया हो कि मैं बना इसीलिए मैंने आज कहा कि आज आप बना के दिखाओ सामने तब मैं मानूंगा कि बना देती हो है ना झूठ नहीं बोलती झूठ नहीं बोलती हो सच्ची है कितनी सच्ची हो कितनी सच्ची पगला उल्टी ये देखो पक रहे हैं येलो येलो ये इनके सींग हैं हाँ तो छू क्या देखो ऐसा लग रहा है वो है ना ऐसा लग रहा है मेढक जैसा ना ये देखो मेढक पक रहा है क्या ऐसा लग रहा है वो है ये हाँ जैसे नरक में चले तले आते हैं ना लोग वैसे खाने का ऐसे नहीं बोलना चाहिए है ना गंदी बात तो ये देखो लाल लाल मस्त तैयार हो गए हैं खाने में कैसे लगेंगे ये एक नहीं आधे तो मैं ही खाऊंगा आधी को आधे पूरे हाँ मैं खाऊंगा आधे मेहनत मैं क्यों खाओगे आप okay. तो मैंने कहा था मैंने तो कहा था कि बनाओ आप बोले तो गुलगुल्ले बना दो गुलगुल्ले ही तो बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं पकौड़ा बोलते हैं पकौड़ा तो ऐसे होते ना जैसे टेढ़े मेढ़े ये देखो ये तो गोल तो पकौड़े हैं ये आलू के पकौड़ा हैं ये बड़े बड़े बनते हैं मैं छोटे छोटे बनाई अच्छा इतने बड़े बड़े अच्छा जैसे शादी में मिलते ओ जैसे जाते ना शादी में तो नाश्ते मिलते हैं वो है ना अच्छा तो ऐसे ये अब बताओ ऐसे अब मुझे समझ में आया मैंने सोचा और कुछ है यार ये गुलगुल्ले खा लेते हो देखो देखो जैसे ये है गोल मटोल वैसे ये है गोल मटोल गुलगुल्ले गुलगुल्ले बनाकर मेड बाय गुलगुल्ले गुलगुल्ले मेड बाय गुलगुल की गुल की नाम है गुलगुल्ले
हाँ नाक बड़ा सकता है में देख रहे हैं। और यार देखो पकने के बाद कैसे कलर आ गया मस्त रेड रेड। मैं फैलाओ हाँ ये मम्मी भर दे आ भर दो गरम गरम मारू हाँ ये कैसे लगा दो रोक रहे जलने जाना बन गए गुलगुले अभी बहुत सारे बाकी हैं अभी बाकी हैं अब कितने बन गए हैं थोड़े से बन गए और अब क्या बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े हैं देखो ये अभी और गुलगुले तैयार हो रहे हैं और ब्रेड पकौड़े भी हैं और देखो और ब्रेड पकौड़े कहाँ हैं पके वाले वो नहीं अच्छे नहीं अच्छे अरे देखने से क्या मतलब स्वाद अच्छा होना चाहिए ना स्वादिष्ट तैयार होने चाहिए काफ़ी क्योंकि आप मुझे मैंने देखा कि आपने वो जो अंदर का जो था ना मसाला वो काफ़ी अच्छा बनाया है। देखो ये ब्रेड पकौड़े अभी इनको काटेंगे आधे आधे में करेंगे और देखने में थोड़ा सा कम अच्छे लगे वो जो होटल वाला होता है ना वो लोग कुछ अलग से डालते हैं तो देखने में उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं बट ये घर में है तो पर स्वाद से होता है स्वाद तो इसका काफ़ी अच्छा होगा ना क्योंकि पिछली बार जब खाए थे तब बहुत अच्छे लग रहे थे तो आप भी बनाए थे तो अच्छे लगे होंगे ना इस बार भी अच्छे लगेंगे 10 रुपये के दो दूंगी पागल 1 भी रुपये नहीं लूंगा अब मेरे पैसे को तो है सब चीज़ मंगाई हो बेसन है सब चीज़ें मेरे पैसे मुझे ही पैसे मांगोगी पसीने से हालत हो गई ख़राब इनकी भी और मेरी भी तो देखते हैं कैसे बने हमारे गुलगुले और ब्रेड पकौड़े अरे ब्रेड पकौड़े और पकौड़े है ना तो आपने देख लिया होगा अभी अच्छे सिनेमैटिक मोड में तो और देखने में तो ठीक ठाक काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है वैसे दुकान जैसे नहीं है देखने में लग रहा है बट स्वादिष्ट तो दुकानदार से ज़्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से तो अब इनका टेस्ट करते हैं। देखो ये है जो ये जो होती है ना आम की फली गांव की चटनी जो होती है गांव का अचार ये गांव वाला अचार है और ये है टोमेटो सॉस तो इनके साथ हम लोग ट्राई करेंगे। आ जाओ माही आप भी आ जाओ प्रिंस आप भी आ जाओ सब लोग खाओ फिर बताओ कैसा लग रहा है आ जाओ पहले आप ही बनाओगे आप ही खाओगी मुझे नहीं खिलाओगी ऐसा स्वाद है तो खिलाओ तो पहला स्वाद अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे दुकान मतलब जैसे दुकान में बनाते हैं ना जो हलवाई होते हैं जिनका पेट इतना बड़ा निकला होता है तो वो बनाते हैं सेम वैसा ही स्वाद आ रहा है। और माही तुम खा के बताओ कैसा लग रहा है अच्छा बताओ कैसा लग रहा है बहुत अच्छा है स्वाद कैसा लग रहा है बताओ अच्छा समोसा ऐसा तो यार बिल्कुल जो अंदर का स्टफिंग था बिल्कुल समोसा ऐसा है चटनी भी तुम मिला खिलाओ हाथ से ज्यादा टेस्टी लग रहा है बहुत ज्यादा प्रिंस तुम बताओ अच्छा है वैसे ऐसे कभी तारीफ नहीं करता है तमाम हमेशा चिढ़ाता रहता है 10 रुपये के दो देख लो कैसे ये अगले पैसे दे यार वैसे मानना पड़ेगा कि यार खाना पीना बनाने में तो काफ़ी अच्छी हैं वैसे जो भी खाना बनाती हैं सारा स्वादिष्ट बनाती हैं कभी शिकायत नहीं कर मतलब शिकायत नहीं होती कि हाँ अच्छा वो नहीं अच्छा तो खाना पीना बनाने में एक नंबर और काम करने में बस थोड़ा शैतानी करती हैं कभी कभी देखो कैसे खा रही है तो आज का ब्लॉग हमारा ख़त्म होता है तो आज का ब्लॉग हमारा ख़त्म होता है अभी तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए खेलते रहिए मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में बाय 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 बाय।